ब्रेकिंग न्यूज, बहराइच बहराइचार कन्या इंटर कॉलेज के पास चली गोली, युवक गंभीर रूप से घायल। खबर के मुताबिक एक बार फिर से बहराइच में चली गोली, फैली सनसनी। युवक गंभीर रूप से घायल, गोली चलने से मची अफरातफरी। घायल को लेकर अस्पताल पहुंचाया गया, घर वालों ने पुलिस को दिया तहरीर। घायल का इलाज चल रहा है। वहीं शहर के कोतवाली नगर की पुलिस जाँच पड़ताल में जुट गयी है। घायल युवक का साथी ने बताया पैसे के लेन देन का था मामला, जिसमें घायल युवक के रिश्तेदारों ने ही किया हमला। अल्ताफ ने बताया हमारा दोस्त है, हमारे साथ रहता है, मोबाइल का काम करता है। पिता का नाम शमीम अहमद, जो सिंचाई विभाग में अधिकारी है। दोस्त ने बताया एक गाड़ी पर दो लोग सवार थे, रुको रुको की आवाज दिया, गाड़ी रुकी ही था, पीछे अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा, उसका दोस्त लहूलुहान जमीन पर पड़ा दिखाई दिया। जब तक पुलिस को सूचना देते तब तक हमलावर 9-2-11 हो गए। सब एक घटना सामने आई है कि युवक पर हमला हुआ है, गोली मारी गई, क्या है मामला, क्या जानकारी है? अभी एक गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई है कोतवाली नगर थाना क्षेत्र, तो अभी अस्पताल में आया गया है और पूछताछ की गई है। डॉक्टरों ने भी रिफर किया है, आगे एप्लीकेशन प्राप्त होता है तो मुकदमा लिखे आगे की कार्रवाई की जाएगी, जल्दी हम लोग गिरफ्तारी करेंगे। क्या मोटो बताया जा रहा है कि क्या हमले करने का? अभी जांच पड़ताल चल रही है, तहरीर अभी प्राप्त होने वाली है, जैसी प्राप्त हो जाएगी हम लोग अभी पंजीकृत करके कार्रवाई करेंगे। सब्सक्राइब करें जनरथ एक्सप्रेस को और पाए अपने शहर।